इस चैप्टर के पार्ट वन ऑलरेडी अपलोडेड है, जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, और ये इस चैप्टर के पार्ट टू हैं। तो आइए आगे पढ़ लेते हैं हम। टू मैन गन्स इन हैंड, ब्लैक मास्क कवरिंग देयर फेसेस, सडनली बर्स्ट इन टू द रूम। यहाँ दो मैन हैं, दो आदमी हैं जो कि हाथ में बंदूक लिए हुए हैं और अपने चेहरे को काले कलर के मास्क से, पूरा मास्क से ढक रखा है अपने फेस को, और अचानक से वो लोग वो ज्वेलरी की शॉप में एंटर होते हैं। नीना सॉ वन मास्क्ड रॉबर ग्रैब अ कस्टमर एंड होल्ड द गन टू हर हेड व्हाइल द अदर स्ट्रॉड इन टू द डायमंड सेक्शन। अब यहाँ उसमें से वो जो मास्क पहने हुए रॉबर्ट था, वो एक क्या करता है ना कि एक कस्टमर को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसके सर पे बंदूक रख देता है, और जो दूसरा रॉबर्ट था वो डायमंड का जो सेक्शन था ना, जिधर डायमंड रखा हुआ था, उधर वाले सेक्शन में एंटर कर जाता है। चॉस ब्रोक आउट देन, पीपल स्क्रीम देन स्कैटर्ड इन कन्फ्यूजन। अब यहाँ पे पूरी जो भगदड़ मच जाती है, सारे के सारे लोग डर जाते हैं, जो भी कस्टमर्स रहते हैं वहाँ पे, सभी पूरी तरह से डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं। द मैनेजर रीच्ड फॉर द टेलीफोन इन पैनिक ओनली टू हैव द इंस्ट्रूमेंट टर्न्स इनटू अ मास ऑफ मैंगल्ड प्लास्टिक एज द रॉबर फायर्ड अ शॉट एट इट। यहाँ पे जो मैनेजर है वो दौड़ता है टेलीफोन की तरफ, ताकि वो किसी को इन्फॉर्म, मतलब पुलिस को इन्फॉर्म कर सके कि ये ज्वेलरी शॉप में रॉबर्स एंटर कर गए हैं। तो ये इन्फॉर्म करने के लिए बिल्कुल हड़बड़ाहट में दौड़ता है टेलीफोन की तरफ मैनेजर। लेकिन तभी क्या करता है ना, एक रॉबर जो है वो इस टेलीफोन पे बंदूक चला देता है, और वो जो टेलीफोन था वो थोड़े ही देर में सिर्फ प्लास्टिक के टुकड़े बन करके रह जाते हैं। He clasped his hand, cursing the robber and yelling out in pain. अब यहाँ पे जो मैनेजर है वो हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करने लगता है रॉबर से। He was forced at gunpoint to unlock the cabinets and the jewelry was transferred rapidly into several small pouches. फिर भी रॉबर्स जो है वो मैनेजर की एक नहीं सुनते हैं, और बंदूक की नोक पर उससे सारे जो भी कैबिनेट जो वो अनलॉक करवा के उसमें से सारी ज्वेलरी जो है उसको एक स्मॉल पाउचेस में ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। इन लेस देन अ फ्यू मिनट्स द मास्क मैन हैड लेफ्ट। और बस कुछ ही मिनटों में वो जो रॉबर्स एंटर किए थे ना मास्क पहन के, वो सब भाग जाते हैं ज्वेलरी वगैरह सब ले करके, लूट करके। विद इन सेकेंड्स पुलिस सायरन कुड बी हर्ड एंड पुलिस मैन स्वार्म्ड इनटू द शॉप। अब कुछ ही सेकेंड बाद, मतलब रॉबर्ट्स के भागने के कुछ ही सेकंड बाद जो है पुलिस सब आ जाते हैं। पुलिस की जो सायरन होती है ना वो सुनाई देने लग जाती है, यानी कि पुलिस आ गए होते हैं और बस शॉप में एंटर करते हैं। फॉर्चुनेटली नो वन वॉज सीरियसली हर्ट। भगवान की कृपा से कि किसी को भी, किसी भी कस्टमर को कोई सीरियस इंजरीज नहीं हुए थे, किसी को उन रॉबर्ट्स ने हार्म नहीं पहुँचाया था। मिसेज वर्मा फाउंड हर लेग्स ट्रेम्बलिंग विद शॉक एंड सेट डाउन टू स्टेडी हरसेल्फ। अब यहाँ पर मिसेज वर्मा जो है वो सदमे के मारे पूरी तरह से डरी हुई हैं, शॉक्ड हैं, और उनके जो पैर हैं ना डर के मारे कांप रहे होते हैं, तो वो वहीं पे बैठ जाती हैं, अपने आप को शांत कर रही होती हैं। लेट्स लीव एट वंस मां, रेखा वॉज एजिटेटेड एंड हर वॉइस फेड विथ फियर। अब यहाँ पे रेखा है डरी सहमी सी, वो भी बोलती है माँ को कि चलिए माँ अब हम यहाँ से चलते हैं। द थ्री ऑफ दैम रोज टू लीव। अब ये तीनों जो हैं माँ बेटी, यानी कि रेखा, नीना और उसकी मदर मिसेज वर्मा, अब ये सब जो हैं बस दुकान को छोड़ के बाहर निकलने ही वाले होते हैं, बाहर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। आई एम सॉरी बट यू विल हैव टू वेट अ वाइल मैम, सेड द पुलिस इंस्पेक्टर। अब जब वो दरवाजे की तरफ बढ़ रहे होते हैं ना, तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर है वो उनको बोलता है कि मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन आपको भी कुछ समय के लिए यहाँ रुकना होगा, इंतज़ार करना होगा। स्टॉपिंग दैम एज दे वॉक टूवार्ड्स द डोर, तब रोकते हैं जब वो दरवाजे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। वी हैव टू टेक डाउन स्टेटमेंट फ्रॉम ऑल दोज प्रेजेंट, यू हैव बीन विटनेस टू अ मोस्ट डेयरिंग रॉबरी। अब यहाँ पे वो बोलता है पुलिस कि यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं ना, हमें उन सब के स्टेटमेंट्स लेने होंगे, क्योंकि आप सब जो हैं इस बहुत ही बड़े रॉबरी के गवाह हैं, विटनेसेस हैं। मिसेज वर्मा एग्रीड रेलुकेंटली सेइंग बी क्विक प्लीज। अब मिसेज वर्मा है जो वो मान जाती हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है थोड़ा जल्दी कीजिए। एंड काइंडली डोंट हैरेस माई यंगर डॉटर बाय आस्किंग हर क्वेश्चंस, और प्लीज़ मेरी जो छोटी बेटी है ना उसे आप परेशान मत करिए क्वेश्चन पूछ पूछ करके। सी कांट हियर एंड सी इज स्केयर्ड ऑफ स्ट्रेंजर्स। यहाँ वो बोलती है कि मेरी छोटी बच्चे से क्वेश्चन पूछ पूछ करके उसे परेशान मत करिए, क्योंकि वो सुन भी नहीं सकती है और जो अजनबी होते हैं ना उनसे वो डरती भी है। आई एम नॉट स्केयर्ड टू टॉक टू एनीबडी, इंटरप्टेड अ क्लियर स्टेडी वॉइस। अब यहाँ पे नीना जो है वो इनकी बातों को
इंटरप्ट करती है और बोलती है कि वो किसी अजनबी से नहीं डरती है। मिसेज वर्मा एंड रेखा वर स्टर्न, द वॉइस वॉज नीनाज। अब यहाँ पे मिसेज वर्मा और रेखा है जो वो शॉक्ड हो जाती है कि मतलब ये नीना की आवाज़ है क्या, ये नीना बोल रही है इस तरीके से। सर सीज टोल्ड द इंस्पेक्टर, अब वो बोलती है इंस्पेक्टर को, नीना सर प्लीज़ टेक डाउन माई स्टेटमेंट फर्स्ट। अब वो बोलती है कि सबसे पहले जो मेरी स्टेटमेंट है ना वो ले लीजिए आप। आई थिंक आई कैन टेल यू मोर अबाउट दिस रॉबरी देन एनीवन एल्स हियर। यहाँ वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है ना कि इस रॉबरी के बारे में मैं आपको बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा बता सकती हूँ, इतना तो आपको यहाँ पे जितने लोग प्रेजेंट है ना कस्टमर्स, इनमें से कोई नहीं बता सकता है। वॉट नॉनसेंस नीना माई चाइल्ड, मिसेज वर्मा वॉइस रोज नर्वसली। अब यहाँ जो मिसेज वर्मा है वो घबरा जाती हैं और वो बोलती हैं नीना को कि क्या बकवास कर रही हो मेरी बच्ची, यू आर जस्ट शॉक, तुम अभी सदमे में हो, यू नीड नॉट पुट योर सेल्फ थ्रू दिस, तुम्हें इन सब पचड़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, तुम्हें ज़रूरत नहीं है इन सब पचड़ों में पढ़ने की। आई मस्ट केम द डिटरमाइंड रिप्लाई, यू सी आई एम द ओनली वन हु कुड हियर वॉट वॉज गोइंग ऑन इन साइड दैट ग्लास रूम, सी टोल्ड इंस्पेक्टर अबाउट हर स्पेशल एबिलिटी टू लिप रीड। यहाँ वो बोलती है कि उस जो ग्लास रूम है ना, कांच की जो रूम है, उसके अंदर क्या बात, अंदर से किसी ने क्या कहा वो कोई नहीं सुन सकता, सिर्फ वो सुन सकती है क्योंकि उसके पास एक ये स्पेशल एबिलिटीज़ हैं लिप रीडिंग करने की, क्योंकि ग्लास रूम जो होता है उसमें से आवाज़ तो बाहर आएगी नहीं, तो ये इसने लिप पर ध्यान दिया था कि वो अंदर से ग्लास रूम से कोई क्या बोल रहा है, तो बस वो यही यहाँ पे इंस्पेक्टर को समझा रही होती है कि वो बता सकती है। द इंस्पेक्टर ट्रीटेड द मैटर सीरियसली एंड इमिडिएटली लेट द थ्री ऑफ देम टू वन साइड वेयर द मैनेजर वॉज हैविंग हिज हैंड बैंडेज बाय वन ऑफ द पुलिसमैन। अब यहाँ जो इंस्पेक्टर है ना वो उसकी बातों को सीरियस लेते हैं, इस मैटर को भी बहुत सीरियसली देखते हैं, उनको लगता है कि हाँ ये बच्ची कुछ बता सकती है हमें। अब वो तुरंत उन तीनों को एक साइड में ले जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी मैनेजर होता है जो एक पुलिसमैन से अपने हाथों पे बैंडेज करवा रहा होता है, क्योंकि उसके हाथों पे बंद ये गोली जो ये जब रॉबर्ट्स जब शूट कर रहे थे ना टेलीफोन के ऊपर, तब थोड़ा सा इसके हाथ पे भी लग गया था, तो बस वही वो बैंडेज करवा रहा होता है पुलिसमैन से। ही वॉन्ट द रॉबर, नीना बिगन पॉइंटिंग टू द मैनेजर। यहाँ पे नीना जो है वो मैनेजर की तरफ उंगली करते हुए, उंगली से इशारा करते हुए कहती है कि इसने रॉबर को वॉर्न किया था, मतलब सतर्क किया था, नॉट टू शूट द ग्लास कैबिनेट फॉर दैट वुड सेट ऑफ एन अलार्म इमिडिएटली। यहाँ वो बोलती कि ये जो मैनेजर है इन्होंने उनको सतर्क किया था कि जो ग्लास कैबिनेट है ना उस पे बंदूक नहीं चलाना, वरना वो तुरंत उसमें से अलार्म बजने लगेगा और तुरंत पुलिस आ जाएगी। कहने का मतलब मैनेजर ने मदद किया था यहाँ पे, उनको सतर्क किया था। द मैनेजर लुक्ड शॉक्ड, अब जो मैनेजर है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, देन रिकवरिंग क्विकली ही रेज्ड हिज वॉइस। अब इस मैटर को रिकवर करने के लिए वो बहुत जोर से बोलता है, व्हाट अटर रबिश, हर्ड मी इंडीड, हिज वॉइस वॉज सरकास्टिंग एंड शॉनफुल। अब यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बोलते कि बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में आकर के बोलते कि क्या बकवास कर रही है, दैट रूम इज़ कम्प्लीटली साउंड प्रूफ, वो रूम जो है वो साउंड प्रूफ है, उसके अंदर से आवाज़ बाहर जा ही नहीं सकती, तो फिर इस लड़की ने क्या सुना होगा। डोंट टेल मी यू कैन हियर थ्रू बुलेट प्रूफ ग्लास, मुझे ये फालतू की बातें मत बताना कि तुम बुलेट प्रूफ ग्लास रूम के बाहर भी सुन सकती हो कि अंदर क्या बात हो रहा है। नाउ लुक हियर मिस्टर, बिगन मिसेज वर्मा साउंडिंग फियर्सली प्रोटेक्टिव। अब यहाँ पे मिसेज वर्मा है वो अपनी बच्ची का बचाव करते हुए बोलती है कि मेरे साइड देखो, ये मैनेजर को बोलती है गुस्से में आकर के। सी फेल समवन ग्रिप हर एल्बो, लेकिन तभी वो महसूस करती है कि किसी ने उसे अपने केहूनी से एल्बो से धक्का दिया। लेट नीना डू द टॉकिंग माँ, यहाँ पे वो रेखा थी जिसने माँ को पीछे की ओर धक्का दिया कि रेखा विस्पर, बहुत धीरे से बोलती है रेखा माँ को कि नीना को बात करने दो, आई एम श्योर शी कैन मैनेज, मुझे पूरा भरोसा है कि वो मैनेज कर लेगी। रेखाज कॉन्फिडेंस वॉज नॉट मिसप्लेस्ड, येस आई कैन हियर थ्रू बुलेट प्रूफ ग्लास। यहाँ पे रेखा का जो कॉन्फिडेंस था ना अपनी बहन के ऊपर, भरोसा कि वो सब मैनेज कर लेगी, वो सही निकलता है। अब यहाँ पे नीना बोलती है कि हाँ मैं सुन सकती हूँ बुलेट प्रूफ ग्लास रूम में क्या बात हुआ था। केम नीना रिप्लाई, बिकॉज आई कैन हियर इन अ वेरी स्पेशल वे जस्ट बाय वॉचिंग पीपल मूव देयर लिप्स। यहाँ वो बताती है बिल्कुल ही कामली होकर के कि क्योंकि मैं लोगों की बातों को सुन सकती हूँ एक बहुत ही अलग तरीके से, उनकी आवाज़ सुनने की से ज़रूरत नहीं है, ये उनके लिप के जो मूवमेंट है ना उसके थ्रू सुन सकती है। वही यहाँ पे बताती है कि मैं एक स्पेशल वे में सुन सकती हूँ बाय लिप रीडिंग, लिप का जो मूवमेंट है ना उससे मैं सुन सकती हूँ। द मैनेजर लुक स्टार्टल, इंस्पेक्टर दिस गर्ल इज क्रेजी। यहाँ पे मैनेजर है वो
और ज़्यादा चौंक जाता है, मतलब कि अब वो बिल्कुल अलार्म्ड हो जाता है और बोलता है कि ये लड़की जो है ये पागल है। वुड द रॉबर्स हैव शॉट एट माई हैंड इफ़ आई वॉज इन लीग विद देम, अगर मैं उन रॉबर्स के साथ मिला हुआ होता तो क्या वो मेरे हाथों पे गोली चला देते? यस दैट डिड सरप्राइज यू डिडंट इट, नीना साउंडेड कूल। यहाँ पे नीना बड़ी कूल साउंड में बोलती है कि हाँ ये तो तुम्हारे लिए भी सरप्राइज था, क्या ये सरप्राइज नहीं था? आई हर्ड यू चल एट येल एट द मास्क मैन टेलिंग हिम दैट दे हैड एग्रीड नॉट टू हर्ट यू। मतलब कि यहाँ जब उसके हाथ पे गोली लग जाती है ना, तब वो उसको रॉबर्ट्स को बोलता है कि मतलब इन लोगों के बीच डील हुआ था कि वो इनको कोई हार्म नहीं पहुँचाएगा, फिर भी कैसे उनके हाथ पे गोली चला दिया मैनेजर के हाथ पे। इंस्पेक्टर द मैनेजर गॉट अप लुकिंग वरीड, यू आर नॉट गोइंग टू टेक द वर्ड ऑफ दिस क्रेजी चीफ गर्ल अगेंस्ट माइन आर यू। यहाँ मैनेजर है वो और ज़्यादा चिंता में हो जाता है और इंस्पेक्टर को बोलता है कि कहीं तुम इस पागल लड़की का स्टेटमेंट लेकर के मेरे खिलाफ तो नहीं इस्तेमाल करने वाले हो, क्या ऐसा करने वाले हो क्या? नाउ लुक हियर मिस्टर, मिसेज वर्मा इंटरप्टेड एंग्रीली बट अगेन अ जेंटल टच ऑन हर आर्म स्टॉप्ड हर। इट वॉज नीना दिस टाइम गिविंग हर अ रेजरिंग स्माइल। अब जो मिसेज वर्मा है वो फिर से गुस्सा हो जाती हैं और वो फिर मैनेजर को बोलती हैं कि इधर देखो मिस्टर, लेकिन तभी उसे फिर से ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उसे रोकने के लिए कोशिश किया, मतलब हल्का सा बिल्कुल हल्के हाथों से किसी ने उसे टच किया रोकने के लिए, उसके आर्म को रोकने की कोशिश की। इस बार ये नीना थी जिसने माँ को रोकने की कोशिश किया और उसके फेस पर जो है रेजरिंग स्माइल होता है, मतलब कि एक अगले को आश्वासन देने वाला मुस्कुराहट होता है ना, उस तरह का स्माइल था नीना के फेस पर। इंस्पेक्टर नीना कंटिन्यूड, और नीना माँ को रोकने के बाद वो इंस्पेक्टर से बोलती है, इंस्पेक्टर दिस इंटायर सीक्वेंस हैज़ बीन रिकॉर्डेड ऑन द स्टोर्स वीडियो कैमरा हैजंट इट। वो बोलती है कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ ये सारे सीक्वेंसेस जो हैं ये सामने स्टोर का जो वीडियो कैमरा है ना उसमें सब रिकॉर्ड हुआ होगा, क्या ऐसा नहीं है? व्हाई डोंट यू टेक द टेप टू द स्पेशल स्कूल वेयर आई वॉज ट्रेन टू लिप रीड, क्यों ना आप वो टेप को मेरे स्पेशल स्कूल लेकर के चलें जहाँ से मैंने लिप रीडिंग की ट्रेनिंग ली थी। द प्रिंसिपल वुड बी हैप्पी टू वॉच द टेप एंड गिव यू अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ व्हाट द मैनेजर सेड। यहाँ वो बोलते कि जो हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे ना स्पेशल स्कूल के, वो बहुत ही खुश होंगे और साथ ही में वो आपको टेप को देख करके आपको जो भी उन्होंने बोला है मैनेजर ने वो एक रिटन स्टेटमेंट में मतलब लिख करके दे देंगे कि उन्होंने क्या बोला है रॉबर्ट्स को। The manager started hurling abuses at Nina. अब यहाँ पे जो मैनेजर है वो गालियों की बौछार करने लग जाता है गुस्से में आकर के नीना पे, यानी कि नीना को गालियाँ देने लग जाता है। Yelling so loudly, बहुत जोर जोर से चीखने और डांटने लग जाता है। That the inspector ordered that he be taken away to the police station for further questioning. अब यहाँ पे जो इंस्पेक्टर है वो ऑर्डर दे देते हैं कि इसको मैनेजर को पुलिस स्टेशन लेकर के चलो, आगे इनसे सवाल जवाब किए जाएंगे, क्वेश्चनिंग किए जाएंगे, इसे जो भी क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। यू वर एब्सोल्युटली रिमार्केबल, यहाँ पे वो बोलते हैं नीना को कि तुम बहुत, तुम्हारा काम जो है वो बहुत ही सराहनीय है। द इंस्पेक्टर शुक नीनाज हैंड आफ्टर शी हैड साइंड हर स्टेटमेंट। जब नीना ने अपने स्टेटमेंट पर साइन कर दिया था उसके बाद जो इंस्पेक्टर है वो नीना से हाथ मिलाते हैं। दिस केस विल बी सॉल्व ओनली बिकॉज ऑफ यू एंड योर वेरी स्पेशल एबिलिटीज़। यहाँ बोलते हैं कि ये केस जो है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से सॉल्व हो पाएगा और तुम्हारी जो ये स्पेशल एबिलिटीज़ है ना उसकी वजह से। एंड द वे यू हैंडल दैट ऑफुल रूडमैन, और किस तरीके से तुमने उस बदतमीज इंसान को हैंडल किया। हेयर ही ब्रोक इन टू अ चक्कर एंड गेव नीना थम्सअप, और वो इसके लिए उसको एक थम्सअप देता है। इंडिकेट दैट सी हैड बीन टेरिफिक, यहाँ पे इस तरीके से इंडिकेट देते हुए एक थम्सअप देता है जैसे कि तुम बहुत ही अच्छी हो, अच्छा काम किया है। दे वर अलाउड टू गो होम, और यहाँ से उन दो तीनों को परमिशन मिल जाता है घर जाने के लिए। आई डोंट वॉन्ट अ पेयर ऑफ इयरिंग्स आफ्टर ऑल दिस सेड रेखा विद अ शडर एज दे वॉक टुवार्ड्स द डोर। अब यहाँ पे रेखा है वो बिल्कुल बोलती है कि अब उसे कोई इयरिंग्स नहीं लेने, कोई इयरिंग्स के पैर नहीं लेने हैं। आई नेवर वॉन्ट टू सेट फुट इन दिस स्टोर अगेन, और मैं अपने पैर अपने कदम कभी इस ज्वेलरी के स्टोर में रखना भी नहीं चाहती। एज फॉर मी आई डोंट वॉन्ट टू स्टेप इन टू एनी ज्वेलरी शॉप अगेन एडेड मिसेज वर्मा विथ फीलिंग। अब यहाँ पे जो मिसेज वर्मा है वो अपनी फीलिंग बताती है कि वो तो अब किसी ज्वेलरी के शॉप में ही वापस कभी नहीं जाना चाहेंगी। वेल देन इफ़ बोथ ऑफ यू रिफ्यूज टू कम टू दिस शॉप स्ट्रग नीना आई विल जस्ट हैव टू कम ऑन माई ओन टुमोरो। यहाँ पे वो बोलती कि अब अगर तुम दोनों इस ज्वेलरी के शॉप में नहीं आओगे तो अब कल मुझे खुद से अकेले आकर आना होगा यहाँ पे।
वट एवर फॉर कोरस रेखा एंड मिसेज वर्मा इन एस्टोनिशमेंट। यहाँ पे अचंभित होकर के रेखा और मिसेज वर्मा पूछती हैं कि किस लिए, मतलब अब किस लिए उसे आना है कल। नीना बोलती है, आई वॉन्ट टू बाय माई सेल्फ दोज डॉल्फिन शेप्ड ईयर रिंग्स, जस्ट द थिंग आई नीड टू टर्न द गर्ल्स इन स्कूल ग्रीन विथ एन वाई, वॉज नीना चीयरफुल रिप्लाई। यहाँ वो बोलती है कि वो चाहती है वो डॉल्फिन शेप के ईयर रिंग्स लेना जो उसने स्टार्टिंग में पसंद किया था, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी जो स्कूल की लड़कियाँ हैं ना उनको जेलस फील करवा सकें। बहुत ही चीयरफुली वो रिप्लाई करती है। एज शी पुश्ड अपॉन द ह्यूज ग्लास डोर टू स्टेप आउट, शी सॉ रिफ्लेक्टेड इन इट साइनी सरफेस द अटर डिलाइट, द जॉय मिंगल विद डिसबिलीफ ऑन द फेसेस ऑफ हर मदर एंड सिस्टर, एंड फॉर द सेकेंड टाइम दैट मॉर्निंग नीना लाफ्ड आउट अलाउड। जैसे कि वो दरवाज़ा पुश करके बाहर निकलते हैं तो देखा जा सकता है कि इनके चेहरे पे एक शाइन होता है, एक जॉय होता है, इनके चेहरे पे चमक होती है। और सेकेंड टाइम था जब नीना बहुत ही खुशी से हंस रही होती है, खिलखिला रही होती है।